खिचड़ी पतंग पवित्र स्थान सूर्य पूजन के साथ एक प्रमुख कार्य का दिन है मकर संक्रांति जिसे दान का बहुत महत्व है मकर संक्रांति पे यूं तो सभी जानते हैं कि दान का बहुत महत्व है लेकिन उत्तर भारत में मकर संक्रांति पर महिलाएं कुछ विशेष भी करती हैं जिसे संक्रांत के व्यय कहा जाता है संक्रांत के व्यय यानी नेक जो एक मकर संक्रांति से शुरू होकर अगले साल की मकर संक्रांति तक किया जाता है इस दौरान हर माह की आने वाली चौदह तारीख को यह संक्रांति को नेक का शगुन किया जाता है ये नेक अपने परिवार रिश्तेदार ब्राह्मणी आदि को दिए जाते हैं नेक के समय कुछ विशेष पंक्तियाँ भी बोली जाती हैं ये नेक घर की बहुएं अपने विवाह के बाद पहली मकर संक्रांति से शुरू करती हैं फिर साल भर उसे पूर्ण करते हैं और फिर पूरा वर्ष होने के बाद इसका नेक का संकल्प लिया जाता है उनका उद्यापन किया जाता है और फिर अगले साल नए नेक का संकल्प लिया जाता है या हम आपको वही बता रहे हैं कि उत्तर भारत में प्रचलित संक्रांत से कुछ नई बैग कैसे होती हैं विवाह के बाद जो पहली संक्रांति पड़ती है उसमें नई बहुएँ अपने ससुर और सास के प्रति कुछ नेकचार शुरू करती हैं तो सास के प्रति जो नेकचार हैं वो हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा सास को कोने में बैठ के जमाना इसमें सास को कोने में बैठ के जुमाने का अर्थ होता है कि हम सास को उनके मनपसंद सुबह के टाइम नाश्ता करवाएं या उनको खाना खिलाएं कुछ भी करा सकते हैं आप ये मकर संक्रांति से शुरू किया जाता है अगले साल की मकर संक्रांति तक पूरा किया जाता है यदि आप डेली नहीं कर सकते तो महीने की चौदह तारीख को भी कर सकते हैं यदि आप वो भी नहीं कर सकते तो मकर संक्रांति वाले दिन उनके मनपसंद खाना बनाया जाता है कोने में बैठ के जुमाने का अर्थ होता है एक कमरे में किसी जगह पे आप एक आसन बिछा दीजिए वहाँ पर उनको उनका मनपसंद नाश्ता कराइए और उनसे कहा जाता है रिश्ता ऐसा सास बहू का जैसे कड़ी पकौड़े वाली कच्ची हो तो खट्टी लगती पक जाए तो मीठी वाली ये कहती है मैं पात पातू हूँ वह कहती है मैं डाली डाली रिश्ता ऐसा सास बहू का जो भरे अमिया की डाली ये कहने के बाद उनको पैर छूकर उन्हें साड़ी ब्लाउज एक गर्म शॉल और नेक देके उनसे आशीर्वाद लिया जाता है सास के पैर दबाना सास के पैर दबाने में इस मकर संक्रांति से शुरू किया जाता है अगले साल की मकर संक्रांति तक ये किया जाता है इसमें सोने से पहले सास के पैर दबाने का नियम लिया जाता है जो कि पूरे साल किया जाता है यदि आप पूरे साल नहीं कर सकते तो मकर संक्रांति वाले दिन ये नियम को कर सकते हैं इसमें सास के पैर दबाए जाते हैं उसके बाद उनको पैर में पहनने के लिए एक सुंदर सी चप्पल दी जाती है उसके साथ में गर्म शॉल साड़ी ब्लाउज ये सब देने के बाद नेक देकर पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है सास के अंगीठी पर हाथ तापना यानी कि उनको गरमाई देना ये नियम बड़े बुजुर्गों द्वारा चलाया गया है इसमें सास को मकर संक्रांति वाले दिन चाय पिलाई जाती है पहले के लोग सुबह जल्दी उठकर सास के लिए अंगीठी चलाते थे और उन्हें उनके पास बैठने के लिए बोलते थे और उसके बाद उन्हें चाय और नाश्ता कराया जाता था तो अब इस ज़माने में अंगीठी नहीं मिलती है तो आप मकर संक्रांति वाले दिन ही सास को सुबह जल्दी उठ चाय और नाश्ता कराइए और उन्हें ऊनी शॉल उड़ाइए उसके बाद आपको इसमें सोने की अंगूठी का नेक होता है तो यदि आप सोने की अंगूठी नहीं दे सकते हैं तो आप उन्हें कपड़े और शगुन का नेक देकर भी इस नेक चार को पूरा कर सकते हैं सासू को सीढ़ी चढ़ाना मकर संक्रांति के दिन बहु सासू जी को सीढ़ी चढ़ाती है सासू मां को सीढ़ी पर रखकर रुपये कपड़े उपहार आदि देकर उनका सम्मान किया जाता है सासू माँ बहुत सुंदर वस्त्र पहनकर तैयार हो जाती हैं तब बहू द्वारा पहली सीढ़ी पर गिन्नी या श्रद्धा अनुसार रुपए रखकर रुखे जाते हैं बहू सासू माँ से निवेदन करती हैं और कहती है सासू जी आपको सीढ़ी चढ़ाऊं, आपका मान बढ़ाऊं। सासू जी गिन्नी या रुपए ले लेती हैं और अगली हर सीढ़ी पर बहू को सामान जैसे कपड़े फल रुपये आदि रखती जाती हैं और सासू जी से उसी प्रकार निवेदन किया जाता है सासू माँ एक एक करके सभी सामान उठाकर अपने पास रखती जाती हैं और सीढ़ी चढ़ती जाती हैं। अंतिम सीढ़ी पर पहली सीढ़ी पर जितने रुपए और गिनी रखी जाती है उतने ही अंतिम सीढ़ी पर रखे जाते हैं फिर सासू जी को नीचे उतारा जाता है इस समय पहले से आधे रुपए रखे जाते हैं यानी कम से चढ़ाते हैं और ज्यादा से उतारते हैं और बहू फिर उनसे निवेदन करती है सीढ़ी उतरो सास जी हमें आशीष की आस जी उतरते समय फिर से बहू अपने आधी रुपए आधी रखती जाती है और सासू जी उन्हें उठाते हुए एक एक करके सीढ़ी उतरती जाती है अंत में सभी चीजें अपने पास रख लेती हैं बहू सासू माँ के पैर छूती है और सासू माँ बहुत सारा ढेर सारा आशीर्वाद देती हैं और उन्हें लाड़ करती हैं। सास की पैरों पढ़ाई संक्रांत वाले दिन बहू अपनी चचिया सास मौसी सास मामी सास बुआ सास सभी को पैर छूकर पैर छूकर कपड़े और रुपए देती है या गिन्नी भी दे सकती है मेवा मटरी इसमें बहू सास को फल मेवा और मटरी आदि देती है और कहती है लीजिए मम्मी मटरी दिखाओ अपनी गटरी इसमें उनको पैसे देकर उनसे आशीर्वाद लेती हैं और अपने साथ हमेशा उनका आशीर्वाद बनाए रखने की कामना करती हैं। सास की पीठ मलना इसमें सास के नहाने से पहले बहु सास की पीठ पर उपटन लगाकर यानी मलाई और बेसन से मिलाकर जो उपटन बनाया जाता है उसको लगाकर मलती है फिर सास को नहाने के बाद ऊनी या सूती ब्लाउज और शॉल दक्षिणा देकर पैर चुकर आशीर्वाद लेती है रूठी हुई सासू जी को मनाना संक्रांति वाले दिन सासू जी गुस्सा होकर अपने कमरे को छोड़कर किसी दूसरे कमरे में जाकर बैठ जाती हैं। तब बहू जाकर सास को मनाती है और कपड़े मिठाई रुपए देकर पाव छूती हैं और सासू जी से वापस अपने कमरे में चलने को कहती हैं और कहती हैं रूठो मत सासू जी खाओ मिठाई का घास मैं सेवा करूं तुम्हारी तुम रखो हमारी लाज तब सासू जी वापस अपने कमरे में आकर बहू को आशीर्वाद देती हैं सास के महावर लगाना इसमें बहू संक्रांत वाले दिन अपनी सास के पैरों में महावर लगाती है और फिर चांदी की बिछुए और दक्षिणा देकर पांव छूती है सास को कोने में बैठकर जिमाना, इसने बहू अपनी सासू जी को कोने में बैठकर नए बर्तनों में खाना खिलाती है और कपड़े मिठाई और रुपए देकर पांव छूती है सासू जी को तीयल पहनाना यानी कपड़े पहनाना मकर संक्रांति के दिन बहुएं सासू जी को कपड़े देती हैं और पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं मकर संक्रांति से संबंधित कोई भी नेक वय नेकचार नियम आपको देखने हो तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और एंड स्क्रीन पे जाके भी देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूँगी कुछ वीडियो का यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा